नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्लॉक रुदौली में कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी थे। यह कार्यक्रम लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया। इस अवसर पर कृषि प्रभारी अनिल कुमार, सहायक विकास कृषि अधिकारी संजय कुमार, किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष इंद्रजीत लोधी व भारी मात्रा में कृषक मौजूद रहे। अमरनाथ की रिपोर्ट। जैसा कि सर द्वारा बताया गया, आप लोग अभी तक सर के माध्यम से बातों को सुना, अब हम जानकारी लेते हैं सर का परिचय। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी है और मैं जनपद अयोध्या में उपनिदेशक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। जी, हमारे साथ कुछ हमारे किसान भाई भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी उनका परिचय लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? श्री कृष्णदास लोधी, ग्राम रोहजा गांव। जैसा कि किसान हमारे ये आए हुए हैं रोहजा गांव से, वैसे और परिचय लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम? राम कुमार मौर्य, फिरोजपुर मखदुमी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती बीज उज लेने में आपको रुदौली ब्लॉक से? नहीं, दिक्कत नहीं होती कोई प्रकार की, भैया सब सुविधा मिलती है यहाँ। आपका क्या नाम है? राम किशोर। कहाँ से आए हुआ? ग्राम बिगावल। जैसा कि कोई दिक्कत उत्कत तो नहीं होती बीज उज लेने में या खाद वाल लेने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, अधिकारी आपके सामने खड़े हो, बताइए आप। नहीं साहब, क्यों दिक्कत है? सब दवा का साहब फोन कर देते, बिया आ गया है, सब आप ले जाइए, दवा सब कुछ है, हर प्रकार की, मेरे गांव जाते हैं बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंद्रजीत लोधी है, हम रुदौली के निवासी, किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष। जी, जैसा कि आपने अभी सर किसानों को जागरूक करने के लिए लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया है, तो आइए हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं इधर किसान खड़े हुए हैं और इधर हमारे अयोध्या से आए हुए कृषि विभाग के अधिकारी हैं। आइए इन्हीं से विस्तार से जानकारी लेते हैं जो लाइव प्रसारण चल रहा है आज जनपद अयोध्या के रुदौली ब्लॉक में, तो आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले नया भारत दर्पण समाचार में आपका स्वागत है। सर, जो आज ये किसान गोष्ठी आयोजन किया गया है, जो इसमें लाइव प्रसारण चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो लाइव प्रसारण चल रहा है, ये आनंद गुजरात प्रदेश से हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वहाँ से इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे भारत सरकार के सभी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और वैज्ञानिक मौजूद हैं। यहाँ पूरे देश में ये कार्यक्रम एक साथ जो है हर विकास खंड में इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है और प्रसारण का उद्देश्य ये है कि प्राकृतिक खेती के तरफ जो है हम अग्रसर हों। अब तक हम यह देखते आए हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग हम लगातार करते आ रहे हैं और इस केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड के लगातार प्रयोग से हमारा पूरा जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इतनी रोग व्याधियां बढ़ गई हैं, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो गया है, मिट्टी प्रदूषित हो गई है, इसलिए हम ये बात बोले हैं कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, जो परंपरागत तरीके से पहले हमारे पूर्वज जो है हमारे किसान भाई करते चले आ रहे थे। पहले हम कभी भी कहीं भी केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे, अपने खेतों में इसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और इस अंधाधुंध प्रयोग करने से देखिए, पहले डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी, अस्पताल बहुत कम थे, लेकिन आज ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।